feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. क्या आप ऑनलाइन गेम खेल के पक चुके हो? नहीं। क्या आप ऑफलाइन गेम ढूंढ रहे हो? नहीं। इन सब चीजों के बारे में सोचते सोचते रात को नींद नहीं आती? नहीं। चाहते हो कि कोई आपको ऑफलाइन गेम बताए? नहीं। क्या यार, हर बार नहीं, लेकिन अगर आप सभी को सच में ऑफलाइन शूटिंग गेम खेलना है तो आप सही वीडियो पे हो, क्योंकि आज हम इस वीडियो में 5 ऐसे शूटिंग गेम के बारे में बताने वाले हैं जिसे आप एक बार डाउनलोड करने के बाद कभी भी कहीं भी विदाउट इंटरनेट आसानी से खेल पाओगे। लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, अभी तक जितने भी सारे आप ऑफलाइन गेम खेल चुके हो, आपका फेवरेट गेम कौन सा था या फिर कौन सा है? मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन गेम के बारे में जानने से पहले कहीं भी हमारा मेहनत थोड़ा सा भी पसंद आ जाए, लाइक जरूर करके जाना, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो इसी तरह से गेमिंग कंटेंट के वीडियोस देखने के लिए। नाम में ही ऑफलाइन लिखा है तो काम तो ऑफलाइन ही होगा। मेरा ये पसंदीदा ऑफलाइन शूटिंग गेम है। जब ऑनलाइन गेम का क्रेज नहीं था, इस गेम को बहुत ज्यादा खेला करता था, और आप सब भी कभी ना कभी इस गेम को खेले ही होंगे। इस गेम को आप प्ले स्टोर से सिर्फ और सिर्फ 343 MB में डाउनलोड कर पाओगे। अभी प्ले स्टोर पे 4.3 रेटिंग मिला हुआ है और 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस गेम को डाउनलोड कर चुके हैं। गेम के ग्राफिक्स भी बहुत ही अच्छे हैं। आप ये मत सोचना कि ये पुराना गेम है, ग्राफिक्स अच्छे नहीं होंगे। ऑब्वियसली ट्रेलर देखने से ही आपको पता चल जाता है। इसमें आप अलग अलग गन्स यूज करके अलग अलग मिशन को कंप्लीट कर पाओगे। और ऐसा मत सोचना कि ये पुराना गेम है तो अपडेट नहीं आते, इसमें रेगुलरली नए कंटेंट भी ऐड होते रहते हैं जिसे आप खेलते हुए 2022 में भी एंजॉय कर पाओगे। अगर आप सभी को बताया जाए कि 50 MB के अंदर एक मस्त वाला शूटिंग गेम आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, तो क्या आप भरोसा करोगे? नहीं। अगर इस गेम के बारे में किसी को पता नहीं होगा तो भरोसा का वो कंट्रोल बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन सच में आपको प्ले स्टोर पे 50 MB के अंदर एक मस्त ऑफलाइन शूटिंग गेम मिल जाता है जिसका नाम है NOV.A.Legacy, जिसे हम नोवा लेगेसी के नाम से भी जानते हैं। इसे आप प्ले स्टोर से सिर्फ और सिर्फ 45 MB में डाउनलोड कर पाओगे। अभी इसे प्ले स्टोर पे 4.0 रेटिंग मिला हुआ है और 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस गेम को डाउनलोड करके खेल चुके हैं। इसके डेवलपर के बारे में आपको तो पता ही होगा, एक टाइम पे इनके तरफ से बहुत सारे गेम्स रिलीज हुआ करते थे, लेकिन अभी ये टोटली गायब हो चुके हैं। इसे आप ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी मल्टीप्लेयर मोड्स को खेलते हुए एंजॉय कर पाओगे। साथ साथ स्टोरी मोड भी है। उसके अलावा गेम के ग्राफिक्स भी बहुत ही अच्छे हैं। अगले गेम में सिर्फ और सिर्फ आपको जॉम्बीज को ही मारना है। वीवा गेम्स स्टूडियोज के तरफ से जॉम्बी शूटर किलिंग गेम्स को रिलीज किया गया है 2014 में। इसमें आप स्नाइपर को यूज करते हुए अलग अलग जॉम्बीज को मार सकते हो। मारने के बाद आपको इनोसेंट लोगों को बचाना होता है। अलग अलग लेवल्स भी है। उसके साथ साथ अपने गन्स को जो भी आप मिशन में ले जाओगे उसे आप अपग्रेड भी कर पाओगे। ग्राफिक्स भी बहुत ही अच्छे हैं गेम के, तो अगर आपको इस गेम को भी डाउनलोड करके खेलना है तो प्ले स्टोर पे अभी फिलहाल इस गेम का साइज है 71 MB, लेकिन थोड़ा बहुत शायद इन गेम भी आपको डाउनलोड करना पड़ सकता है। इस गेम को कभी भी हम नहीं खेले तो आपको अच्छे से नहीं बता पाएंगे कि ये गेम कितना अच्छा है, लेकिन ऑफलाइन गेम है, आप बिना इंटरनेट का भी इस गेम को खेलते हुए एंजॉय कर पाओगे। अगला जो गेम है नॉर्मल शूटिंग गेम से थोड़ा डिफरेंट है, जो आप ट्रेलर देखने से ही पता लगा सकते हो। इस गेम में थोड़ा क्लासिक टाइप का फील आएगा आपको खेलते वक्त। 2D ग्राफिक्स का गेम प्ले के साथ रैमबोर्ड ऑफलाइन एक्शन गेम को आप प्ले स्टोर से सिर्फ और सिर्फ 25 MB में डाउनलोड कर पाओगे। जी हाँ, ओ माई गॉड तो अपने आप ही निकल जाएगा मुंह से। गेम में आप अलग अलग लेवल को क्लियर करना होता है, उसके साथ आपको गन्स भी यूज करना है अलग अलग कैरेक्टर को यूज करते हुए। और ये गेम एंडलेस है, मतलब आप जब रनिंग गेम खेलते हो
कभी भी उसे एंड नहीं कर पाते हो, तो कुछ उसी टाइप के कॉन्सेप्ट के साथ इस गेम को रिलीज किया गया है। लेकिन इसमें आपको फाइट भी करना होता है गन को यूज करते हुए। और आखिरी जो गेम है आज की इस वीडियो का, ज्यादातर दोस्तों का शायद ये गेम फेवरेट हुआ होगा या फिर अभी भी फिलहाल है, जिसका नाम डेड टारगेट ज़ॉम्बीज 3D। और इस गेम का जो सेकंड पार्ट है मुझे काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन वो गेम आपको ऑनलाइन ही खेलने को मिलता है। लेकिन इस गेम को आप बहुत ही आसानी से बिना इंटरनेट का भी खेल पाओगे, सिर्फ आपको पहले डाउनलोड कर लेना है, जिसका प्ले स्टोर पे साइज है 150 MB, 4.3 रेटिंग के साथ 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस गेम को डाउनलोड करके खेल चुके हैं। इस गेम का भी कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको ज़ॉम्बीज को ही मारना होता है अलग अलग गन्स को यूज करते हुए, उसे आप अपग्रेड भी कर पाओगे। ग्राफिक्स तो गेम के बहुत ही अच्छे हैं और साथ ही साथ डेवलपर रेगुलर अपडेट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो इस गेम को भी आप किसी भी साल में खेलते हुए एंजॉय कर सकते हो। समझ रहे हो आप? तो पांचों गेम के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किए हैं। इन पांचों गेम में से चार गेम्स तो हम ऑलरेडी खेल चुके हैं, जो बहुत ही ज्यादा कमाल के गेम हैं। आप सब भी इन पांचों गेम को खेलते हुए एंजॉय तो कर ही पाओगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑफलाइन शूटिंग गेम है, बट पर्सनली ये गेम मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तो सोचा आप सबके साथ शेयर क्यों ना किया जाए। और इन पांचों गेम में से कोई ना कोई गेम तो आप ऑलरेडी खेल चुके होंगे, तो मुझे आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताना इनमें से कौन सा गेम आपको सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सा गेम खेलने की आप प्लान कर रहे हो इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन जाने से पहले वीडियो कहीं भी पसंद आ गया होगा तो लाइक करके जरूर जाना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साइड के लोगो बटन को दबा के। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फाइनेंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।